हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सब लोग कैसे हैं? आशा करते हैं सब लोग अच्छे। और ज्योत्सना के किचन में आप सबका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे ये राजरानी साग। ये यूपी में तो ये साग नहीं मिलता है, ये बिहार में ये साग मिलता है। और हम इसको जो है यहाँ पे लोग देखिए राजरानी साग से नाम जानते हैं। तो ये साग ऐसा होता है, ये देखिए। तो इतना तो हम साफ सुथर कर लिए हैं, इतना दिखाने के लिए रखे हैं। इसे तोड़ के इसको जो थोड़ा हार्ड होता है डंठल, तो ये फेंक देते हैं। और ये खाने में थोड़ा खट्टा खट्टा होता है और बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो हम जब भी बनाते हैं ये मतलब चावल के साथ ही खाने में अच्छा लगता है। और जिस तरीका से हम बना रहे, इस तरीका से आप लोग बना के खाइए, सबको बहुत अच्छा लगेगा। तो पहले इसको धो लेते हैं अच्छे से। धोए नहीं है अभी तक, चार 5-6 बार अच्छे पानी से हम इसको साफ कर लेते हैं। और इसको काटेंगे नहीं, ऐसे ही रह जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कढ़ाई हम चढ़ा दिए हैं। कढ़ाई मेरा गर्म हो चुका है, अब उसमें हम थोड़ा सा तेल दे देते हैं। तो तेल गरम हो चुका, हम थोड़ा काली वाली जो सरसों है वो दे दे रही हूँ। फट चुका है। इसी टाइम पे यहाँ पे थोड़ी सी अदरक लहसुन का हम जो है लहसुन को जो है हम कुचल दिए हैं, और अदरक को हम छोटा छोटा काट लिए हैं। और यहाँ पे एक प्याज काट के रखे हैं। तो प्याज लहसुन और अदरक को थोड़ा सा हम 2 मिनट चला लेते हैं, कलर भी चेंज हो जाएगा। तो देख सकते हैं प्याज के कलर चेंज हो चुका है, लहसुन प्याज अदरक का। अब हम जो साग दे देंगे, और साथ में 2 टमाटर काट के रखे हैं दे देंगे, और कुछ हरी मिर्चा हम काट के रखे हैं, इसमें से कीड़ा लगा दिए वो भी दे देंगे। हल्दी दे देंगे, स्वाद अनुसार नमक। देने के बाद चला देना है। ऑलरेडी इसमें से पानी छोड़ देगा, हमें पानी देने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा ढक देते हैं तो ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं इसमें से काफ़ी सारा पानी छोड़ दिया है। अब हमें जो है इसे ढक ढक के इसको अच्छे से पका लेना है साग को, क्योंकि साग जो है इसमें मिर्चा भी हम काफ़ी सारा दिए हैं, हरी मिर्चे, हरी मिर्चा ही अच्छा लगेगा। तो फिर से हम चला दिए हैं, करसुली चला देना है 20 मिनट, ताकि साग मेरा नीचे जले ना। और इसको मीडियम फ्लेम पे रख के हमें धीरे धीरे जो है इसको पकाना है, ताकि प्याज टमाटर साग वगैरह अच्छे से पक जाए। और इसका ग्रेवी भी इतना नहीं रखना है, तो फिर से हम ढक देते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, अच्छे से जो है साग मेरा उबल चुका, बहुत कम भी हो चुका। अब जो है हम थोड़ा करसुली से इस तरीका से इसको कट लगा देते हैं, बहुत सॉफ्ट हो जाएगा। और इसका जो ग्रेवी है हमें बिल्कुल नहीं रखना है, बिल्कुल सूखा देना है। तो इस तरीका से हम करसुली चलाते हुए पूरा सूखा लेते हैं, सूख जाएगी, उसके बाद ही खाने में बहुत ही अच्छा लगेगी। हम जैसे बनाए हैं इस तरीका से एक बार ज़रूर बना कर देखें, आप सबको बहुत अच्छा लगेगा खाने में। और मेरा रेसिपी आप सबको कैसा लग रहा है ज़रूर बताएं। अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो हम इसको जो है सुखा लेते हैं, पहले चलाते हुए फुल फ्लेम कर दिए हैं अभी। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, कितना थोड़ा सा हो गया है साग,
और इसको हम चलाते हुए 15-20 मिनट लगा है मुझे ये पूरा टोटल शुरू से लेके आखिरी तक साग बनाने में। साग बनाने में थोड़ा समय लगता है कोई भी साग हो, और लेकिन खाने में जो है मस्त लगता है। तो इस तरीका से बना के खाए आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। तो सब लोग स्वस्थ रहिए और ये चावल के साथ ही अच्छा लगेगा। तो सब लोग स्वस्थ रहिए। बाय।